हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनावी माहौल में फिर गर्म हुई नरेंद्र मोदी के चाय विक्रेता होने की चर्चा। आरटीआई से हो चुका है खुलासा, रेलवे के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय खुद को एक चाय वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि बचपन में वे स्टेशन पर और ट्रेनों में चाय बेचते थे। चुनाव के बाद भी वे अक्सर खुद को चाय वाले के रूप में दिखाते रहे। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के दौरान भी यह बात उछली। हाल ही में पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया था, कांग्रेस को अभी भी हैरानी है कि एक चाय वाला पीएम बन गया। और कांग्रेस की पीड़ा का कारण यह भी है कि 4 पीढ़ियों ने जो जमा किया था वो पैसा अब कुछ परिवार के लिए नहीं बल्कि जनता के विकास के लिए खर्च हो रहा है। 2014 में जब ये बात बहुत ज्यादा चर्चित हो गई थी तब कांग्रेस समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने इस बारे में एक आरटीआई भी दायर की थी। इसके तहत रेलवे बोर्ड से यह जानकारी मांगी थी कि क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर या नरेंद्र मोदी को स्टेशन या ट्रेन में चाय बेचने के लिए निर्गत अधिकारी पास उपलब्ध है। 2015 में आई खबरों के अनुसार इस आरटीआई के जवाब में रेल मंत्रालय ने कहा, रेलवे बोर्ड के पर्यटन और खान पान निदेशालय की टीजी ब्रांच में ऐसी किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी बातों को लेकर एक शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं रिलीज हुई थी। इस फिल्म को राष्ट्रपति भवन से लेकर मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के सरकारी विद्यालयों में भी दिखाया गया। 32 मिनट की इस फिल्म में एक नारू नाम के बच्चे का किरदार है जो अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष करता है। फिल्म देखने के बाद केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा था, यह पीएम मोदी के बचपन की घटनाओं से अद्भुत और प्रेरित करने वाला फिल्म है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य और त्रिपुरा के प्रभारी सुनील देवधर ने ट्वीट कर लिखा था, चलो जीते हैं नरेंद्र मोदी की जिंदगी से प्रेरित फिल्म, चाय विक्रेता से पीएम बनने तक उनकी जीवन यात्रा, समाज के कल्याण के लिए काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का एक उदाहरण है। हालांकि आरटीआई से मांगे गए जवाब से यह साबित नहीं हो पा रहा है कि पीएम मोदी चाय बेचते थे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।